Hello friends, I'm back with another video. Now today's topic is The Sublime by Longinus. Let us first discuss about the author Longinus. He was a 1st century CE writer, also known as Dionysius Longinus, was an ancient Greek and literary critic and philosopher. He is best known for his influential work on the sublime. फर्स्ट सेंचुरी के ये ऑथर हैं हमारे, ठीक है, और ये बहुत ही फेमस थे अपने वर्क ऑन द सबलाइम के लिए. इट एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ सबलाइम इन लिटरेचर एंड आर्ट. जो सबलाइम है वो लिटरेचर और आर्ट के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है. नाउ लॉन्जिनस ऑन द सबलाइम इज अ फेमस एंशियंट टेक्स्ट दैट एक्सप्लोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सबलिमिटी इन राइटिंग एंड स्पीच. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट page. Now, the main idea behind the work is that great writing has the power to inspire and elevate the reader or listener to a higher level of experience. जो main idea है इस work के पीछे वो ये है कि जो great writings होती हैं उनके अंदर पावर होती है इंस्पायर करने की और एलिवेट करने की, किसको? रीडर और लिसनर को, एक हायर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के लिए. वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ द सबलाइम अकॉर्डिंग टू लॉन्जिनस इज द एबिलिटी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ग्रेटनेस थ्रू द यूज ऑफ लैंग्वेज. अब ऑन द सबलाइम का एक बहुत ही मेन एस्पेक्ट है, बहुत ही मेन एस्पेक्ट क्या है? लॉन्जिनस के अकॉर्डिंग जो राइटिंग्स हैं, ठीक है, उनके अंदर एबिलिटी होती है सेंस ऑफ ग्रेटनेस को क्रिएट करने की लैंग्वेज के यूज के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल लॉन्जिनस राइट्स, लॉन्जिनस लिखते हैं क्या? When the speech rises above itself and the common level of discourse and the diction becomes so high that ordinary minds no longer understands it, then it is called the sublime. अब इस कोट का आप मीनिंग समझिए क्या? It suggests that when language transcends the ordinary and reaches extraordinary heights, it becomes sublime. कहने का मतलब यह है कि जब लैंग्वेज ऑर्डिनरी लेवल को छोड़कर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट पर पहुंच जाती है तब वो सबलाइम कहलाती है. Longinus emphasized that the sublime has the power to stir up intense feelings. Longinus emphasize करते हैं कि जो सबलाइम है उसके अंदर पावर है एक इंटेंस फीलिंग को जगाने की. और कैसी कैसी फीलिंग्स वो जगा सकती है? और एडमायरेशन, टेरर, इस टाइप की फीलिंग्स को जो सबलाइम है वो जगा सकती है. ही राइट्स सबलिमिटी इज द इको ऑफ ग्रेट सोल. सबलिमिटी जो है वो एक बहुत ही महान सोल की एक इको है. इट अराइजेस फ्रॉम द प्रोफाउंड, वो अंदर से निकलती है. एंड पैशनेट फीलिंग विच स्टर्ड इन ऑथर्स माइंड. मतलब कहने का ये है यहाँ पर कि ऑथर के माइंड में जो भी कुछ चल रहा है, जो भी उसके अंदर फीलिंग्स है, उसको बाहर निकालने का जो काम है वो सबलिमिटी ही करती है. अब इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे. टू इलस्ट्रेट वी हैव एन एग्जांपल. हमारे पास एग्जांपल है द डिस्क्रिप्शन ऑफ इरप्शन ऑफ माउंट एटना बाय द एंशियंट पोइट पिंडार. एंशियंट पोइट थे पिंडार, उन्होंने माउंट एटना के इरप्शन के बारे में बताया है अपनी एक पोएम में. लॉन्जिनस पिंडार की एबिलिटी को प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं. किस बारे में? टू कैप्चर द टेरिफाइंग एंड ऑ इंस्पायरिंग नेचर ऑफ द इवेंट. मतलब ये जो माउंट एटना है जब ये फूटता है तो पिंडार उसकी एबिलिटी को, किस चीज़ की एबिलिटी को? उस माउंट एटना के फूटने की एबिलिटी के थ्रू जो भी कुछ टेरिफाइंग और ऑ इंस्पायरिंग नेचर हो रहे हैं, जो इवेंट निकल रहे हैं, उसको स्टेट करते हैं. और कहते हैं, वो कहते हैं, लॉन्जिनस कहते हैं कि इट एग्जिबिट्स द होल पावर ऑफ द सबलाइम. लॉन्जिनस बिलीव्स दैट द सबलाइम इज नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर जॉनरा ऑफ फॉर्म. लॉन्जिनस ये मानते हैं कि जो सबलाइम है वो किसी भी एक पर्टिकुलर जॉनरा और फॉर्म से रिलेटेड नहीं है. इट कैन बी फाउंड इन एपिक पोइट्री, ड्रामा और इवन एवरीडे कॉन्वर्सेशंस. इट इज़ अ क्वालिटी दैट कैन बी प्रेजेंट इन एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कि एपिक पोइट्री में पाई जा सकती है, ड्रामा में पाई जा सकती है और रेगुलर कॉन्वर्सेशन में भी पाई जा सकती है. ये एक क्वालिटी है जो कि प्रेजेंट हो सकती है किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन में. To conclude, Longinus on the sublime explores the idea that great writing has the power to elevate and inspire.
That's all. Thank you very much. And if you like this video, please do tell me in the comment section.